إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउ दीम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबालमीन के लिए लायक और जेबा दरुदोसलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूस आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम पर अल सल महमद वाल महमद क़मा सला इब्राहीम

इंसानों की रिश्त हदायत के लिए अल्लाह ने बहुत सारे नबियों को भेजा नबियों ने अल्लाह का पैगाम सुनाया जिन लोगों ने नबियों की बात को माना वो अच्छे और नेक बन गए और जिन लोगों ने नबियों की मुखालफत की उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया और जो अजाब इलाही से महफूज रहे आख़रत में उनको अजाब मिलेगा दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के अजाब अब तक आ चुके हैं अल्लाह तबारक वाली ने उन अहों का तस्करा भी कुरान मजीद में जा बजा किया है आज के खुतब जुमा में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये अहब आते क्यों हैं हमारे दौर में भी बहुत सारे अजाब आए और रोज़ाना अजाब की नई नई शक्लें हम देख रहे हैं ये अजब आखिर क्यों आते है? अल्लाह तबारक व तआला ने इनके असबाब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके असबाब बयान किए हैं सूरह रूम के अंदर अल्लाह ने फरमाया जहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत आयद नाश खुशी में भी फसाद फैल गया समंदरों में भी फसाद फैल गया बेमा कसबत आई दनास लोगों के करतूत की वजह से लोगों की बदआमालियों की वजह से मालूम ये हुआ कि फसाद जो बर्पा होता है अजाब जो आता है वो इंसान के गलत पॉलिसियों की वजह से आता इंसान के गुनाहों की वजह से आता अल्लाह ने फरमाया, फरमा लूजी कहुम बज़ल लदी अमीलअलहुम यर्ज ओन ताकि उनको उनका मज़ा चिखाया जाए बाज उन करतूत का जो उन लोगों ने किया लअल्लहुम यरज मुमकिन है वो रुझू कर लें आयत में ये भी अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ताला हर अमल हर बुरे अमल पर अज़ाब नहीं देता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है तो किसी एक गलती पर अल्लाह अज़ाब देता अल्लाह तबार व तआला ने दूसरे मकाम पर फ़रमाया कि अगर इंसान की हर गलती पर अल्लाह अजाब देने लगे तो इंसान एक लमह भी ज़मीन पर ज़िंदा नहीं रह सकेगा हम लोग ख़ुद अपने बारे में सोचें हम कितनी ग़लतियाँ करते हैं कितने गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह फौरी तौर पर नहीं पकड़ता क्यों अल्लाह जानता है कि इंसान है गलती करता है फिर कुछ लोग हैं जिनको तोबा की तोफ़ी मिल जाती है और कुछ लोग हैं जो गुनाहों में डूबे रहते तो अल्लाह तबारक तआला तमाम गलतियों की सजाएं दुनिया में नहीं देता है गलतियां जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो कुछ गलतियों की सजाएं देता है और यह सजाएं क्यों देता है अल्लाह ने फरमाया ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। हम अजाब देखते हैं अजाब की मुख्तलिफ़ शक्लें देखते हैं मुसीबतों और परेशानियों से दो चार होते हैं लेकिन हम इससे इबरत और नसीहत नहीं हासिल करते तो इस आयत से मालूम हुआ कि जो अजाब दुनिया में आते हैं इंसान के बुरे करतूत की वजह से इसी तरह अल्लाह ताला ने सुरान के अंदर फरमाया, अलम यऊ कम अहलकना मिन कबल मिन कर्न क्या उन लोगों ने देखा नहीं क्या उन लोगों के ये वाकयात मालूम नहीं हैं क्या उन लोगों ने इन वाकयात को अल्लाह की किताब में पढ़ा नहीं कम अहलक मिन कबल हिम मिन कर्न उनसे पहले हमने कितनी जमातों को हिलाक कर दिया अब तक कितनी जमातें हिलाक हो चुकी हैं कितनी कौमों पर अल्लाह का अजाब आ चुका है क्या तुम लोगों ने देखा नहीं? क्या, नहीं क्या पढ़ा नहीं क्या सुना नहीं क्या इबरत और नसीहत नहीं हासिल की और ये लोग मामूली लोग नहीं थे अल्लाह ने फरमाया मक्का लकुम हमने उनको ऐसी क़वत दी थी हमने उनको ऐसी ताकत दी थी हमने उनको ऐसी हुकूमत अता की थी जो क़वत और ताकत और हुकूमत तुम्हारे पास नहीं है हमारी हैसियत क्या है हमारे पास पावर क्या है अल्लाह ने पुरानी कौमों को जो हिला किया वो हर एतबार से हमसे ज़्यादा मजबूत थे जिस्मानी एतबार से मजबूत थे क़ुव्वत और ताकत के एतबार से मजबूत थे हुकूमत और सल्तनत के एतबार से मजबूत थे लेकिन अल्लाह तबार व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ये पैगाम देना चाहता है कि ऐ इंसानों अगर तुमने इबरत और नसीहत नहीं हासिल की तो तुमसे पहले लोगों को मजबूत लोगों को हमने हिलाक बर्बाद कर दिया तुम्हारी हैसियत क्या है हम तुमको भी बर्बाद कर देंगे इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने एक और मकाम पर सुरानकबूत में फरमाया फ़कुल्ला अखजना बज़म भी हम हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ते हैं अल्लाह का अजाब जो आता है इंसान के गुनाहों की वजह से इंसान के बुरे करतूत की वजह से फिर उसके आगे अल्लाह तबारक अजाब की मुख्तलिफ़ शक्लें बयान की कि अल्लाह ताला जब इंसान को पकड़ता है तो पकड़ता कैसे है? अल्लाह ने फरमा फमिन उमन अरस हासीबन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई अल्लाह के अजाब की एक शक्ल ये है कि अल्लाह तबारक पत्थरों की बारिश बरसाता है वमिन उमन अज़त हु सै और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीख ने पकड़ लिया एक चीख़ निकली एक आवाज़ निकली और उस चीख और उस आवाज़ की वजह से उनके कलेजे फट गए अल्लाह ताला ने फरमाया विन अख़ज़त अजत्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीख़ ने पकड़ लिया व मिन उमन खसफ ना बिहिल और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया कुछ लोगों पर पत्थरों की बारिश हुई कुछ लोग चीख और पुकार से हिलाक कर दिए गए और कुछ लोगों को ज़मीन में धसा दिया गया वमिन हम मन अक और कुछ लोग हैं जिनको हमने डुबो दिया पानी में डुबो करके हमने हिलाक और बर्बाद कर दिया वमाकान अल्लाजिलीम हम अल्लाह ने इन लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई जो चीख से हिलाक और बर्बाद कर दिए गए और जिनके ऊपर अल्लाह तबारक तआला ने और जिनको गर्क कर दिया ये और जिनको ज़मीन में धसा दिया गया अल्लाह ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया मा कान कानू हूँ किन यज़लिमून अल्लाह ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया इन्होंने अपने आप पर जुल्म किया इनके गुनाहों की पादाश में इनको मिटा दिया गया न गौर सिकंदर न है क़ब्र दारा मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे किसी की कुत और ताकत किसी की हुकूमत और सल्तनत किसी का रोबो दबदबा किसी का माल और दौलत उसको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका अल्लाह तबार व तआला मुख्तलि किस्म के अजाब भेजता है कुछ असाबों का तस्करा अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में किया है नूसलाम की कौम के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि नूसलम ने अपनी कौम के लोगों को दावत तोहैद दी एक दिन दो दिन नहीं साढ़े नौ सौ साल तक अपनी कौम को समझाते रहे बताते रहे लेकिन कौम ने है नूल की बात मानने से इनकार कर दिया यकीनन हर जमाने हर दौर में कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बुरे लोग होते हैं जो अच्छे हैं उनको उनका बदला मिलेगा जो बुरे हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी लेकिन एक आदमी अच्छा है एक आदमी बुरा है बुरा अपने लिए है ये एक हद तक ठीक है लेकिन इंसान जब इतना ज़्यादा बुरा हो जाए कि अच्छे लोगों को तकलीफ़ देने लगे अच्छे लोगों को सताने लगे नेक लोगों के ऊपर जुल्म करने लगे तो अल्लाह तबार को तला आजाब देता है आप बुरे हैं आपका मामला अपनी तक है लेकिन आपकी बुराई अगर अच्छे लोगों पर गालिब आ जाए आप अच्छे लोगों को सताना शुरू कर दें आप अच्छे लोगों को तकलीफ दे तो अल्लाह से डरना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है तेनू अली सलात सलाम ने अल्लाह से दुआ की कौम के लोगों ने इतना सताया सलाम को कहना पड़ा अय मेरे परवरदिगार मेरी मदद कर मैं मगलूब हो चुका हूँ मेरी कौम से मैं मगलूब हो चुका हूँ मेरी कौम मेरी बात मारने के लिए तैयार नहीं है अल्लाह ने हुक्म दिया है सलाम ने कश्ती बनाई मुसलमानों को जो उनके ऊपर ईमान लाए थे मोमिनों को सवार किया तमाम जानवरों का और चरिंदो परिंद का जोड़ा उसमें सवार किया अल्लाह का आजाब आया ये दुनिया का सबसे बड़ा आजाब था जो सैलाब की शक्ल में आया आज तक ऐसा सैलाब नहीं आया है आसमान से बारिश हुई जमीन से पानी के बुलबुले निकले पूरी जमीन डूब गई पूरी दुनिया में अगर जमीन के ऊपर कोई चीज बाकी थी तो नूह अ सलाम की कश्ती थी अब तक इतना बड़ा अजाब नहीं आया जो सलाम की कश्ती में बाकी थे उन्हीं लोगों से फिर नस्ल फैली इसीलिए सलाम को आदम षानी कहा जाता तो अल्लाह तबारक वाली के आसाब की एक शक्ल ये है कि आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश बरसा देता है ज़मीन से पानी के बुलबुलें निकलते हैं इंसान की खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं घर गिर जाते हैं बागात खराब हो जाते हैं इंसान डूब जाते हैं जानवर डूब जाते हैं एक शक्ल ये होती है जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने नूह नू सलाम की कौम पर भेजा इसी तरीके से कौम आद, अल्लाह तबारक तआला ने नबी की मुखालिफ़त करने की वजह से नबी की बात ना मानने की वजह से है तूद अलीसलातलम को भेजा गया अली तोहूद्लाम तो ने इस कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया ये बड़े लम्बे तड़ंगे लोग थे इनको बड़ी कुत और ताकत दी गई थी लेकिन इन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया नबी की मुखालफत की और नबी को सताने लगे अल्लाह का आजाब आया ऐसा आजाब आया अल्लाह ने फरमाया

लगातार बारिश हुई सिर्फ बारिश नहीं हुई बारिश के साथ आंधी और तूफान भी था ये कौम हिला कर दी गई बर्बाद कर दी गई सब खरा सब आलिन वसमानियत यामिन फ़तर अल कौमा फ़ीहा सरा का नहुम आजाजो नखलन ख़ाविया सात रात और आठ दिन मुसलसल बारिश की वजह से अल्लाह ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ने फरमाया ये लंबे तड़ंगे लोग थे बारिश ने और हवा ने ऐसा उठा उठा कर पटका इनको कि ये लोग खजूर के तने की तरह पड़े थे खजूर का दरख्त कितना बड़ा होता है खजूर के दरख्तों की तरह मरे पड़े थे अल्लाह का आजाब आया नबी की नाफरमानी से अल्लाह का आजाब आया अल्लाह की नाफरमानी से इसी तरीके से फिरौन जो अपने वक्त का सबसे मजबूत बादशाह था जो अपने वक्त का सबसे जालिम बादशाह था जब जुल्म का तस्करा होता है सबसे पहले इंसान के जहन में फिराउन का नाम आता है इतना बड़ा जालिम पैदा नहीं हुआ वो फिराउन अजील अवतात फिर फिराउन जो मेखों वाला था जो उसकी बात नहीं मानता था उसके जिसम में किल ठोंक देता था लोगों के ऊपर जुल्म करता था बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था बनी इसराइल के बच्चों का कत्ल करवा देता था लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कैसा हलाक किया है ते तो मूसला उसम और फिरौन की पूरी तारीख अल्लाह ने कुरान मजीद में जा बजा बयान किया है बल्कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह ताला ने किसी कौम का तस्करा किया है तो मूसा मूसम तो की कौम का अल्लाह ताला ने है तो मूसा मूसम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकल जाओ मूसा सलाम लेकर निकल गए सामने दरिया है पीछे फिरौन का लश्कर है फिराउन ने तकबर की बुनियाद पर कहा ये कमजोर और छोटे लोग हमसे आंखें मिलाने लगे उनके अंदर इतनी जुरात हुई कि हमारी बस्ती को छोड़कर हमें धोखा देकर भाग रहे हैं चुनाच फिराउन ने अपने लश्कर के साथ बनी इसराइल का पीछा किया सामने समंदर है पीछे फिराउन का लश्कर है मूसा मूसास्लाम परेशान हुए बनी इसराइल परेशान हुए अल्लाह तबारो को ताल ने मूसा के पास वही भेजी अरे मूसा तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह वालों की अल्लाह मदद करता है मन काना लाही कान अल्लाह लहू जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है वो मैं जो का करता है उसके लिए रास्ते निकाल देता है मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी लाठी को समंदर पर मारो अल्लाह के हुक्म से हैत मूसा सलाम ने लाठी को समंदर पर मारा रास्ता बन गया बनी इसराइल ने समंदर को पार किया फिराउन अपने लश्करियों के साथ जाने लगा सोचा रास्ता तो तैयार ही है हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है अल्लाह ने हुक्म दिया वही दरिया मूसा के लिए और उनके साथियों के लिए रास्ता बना दिया अल्लाह ने हुक्म दिया उसी दरिया ने फिराउन को और उसके लश्करियों को डुबो दिया फिराउन गर्क हो गया वह बनी इसराइल के कमज़ोर लोग जिन्होंने फिराउन के जुल्म को सहा था अपने सामने फिराउन को डूबते हुए देखा ये अज, अजाब की एक शक्ल है कि अल्लाह ताला कौमों को डुबा देता इसी तरीके से अजाब की एक शक्ल ये है कि अल्लाह तबार को ताल इंसान को धंसा देता है ज़मीन फट जाती है लोग धंस जाते हैं किसी के घर धस जाते हैं किसी की दुकानें धस जाती हैं इंसान धस जाते हैं बिल्डिंगों की बिल्डिंगें धस जाती हैं मेरे भाइयों अल्लाह तबारक वाले ने कान का वाक़ बयान किया बड़ा मालदार था अल्लाह ने फरमाया कि कारून के खजाने इतना ज्यादा थे ज्यादा थे कि वो खजाने की चाबियाँ नौजवानों की एक जमात उठाती थी खजाना कितना रहा होगा खजाने की चाबियाँ नौजवानों की एक जमात उठाती थी बड़ी मुश्किल से उठा पाती थी लेकिन यही कानून जब वो लिबास पहना अकड़ते हुए अल्लाह की ज़मीन पर चला और उसके जहन में ये बात आ गई कि उसके ज्यादा मालदार कोई नहीं है अल्लाह ताला ने फौरन जमीन को हुक्म दिया उसी वक्त जमीन फट गई और कानून को जमीन में धंसा दिया गया पूरी तारीख अल्लाह ने कुरान में बयान की है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कानून को धंसा दिया गया आज तक धंस रहा है कयामत तक धंसता रहेगा तकबर और गुरूर की वजह से अल्लाह का अजाब आ जाता है तो इस तरीके से अल्लाह तबारक ने कून को जमीन में धंसा दिया उसकी हवेली को धंसा दिया बनी इसराइल पर एक अजाब का तस्करा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो सनीचर के दिन मछली का शिकार ना करें क्या हिकमत थी अल्लाह को मालूम बस हुक्म था कि सनीचर के दिन मछली का शिकार नहीं करेंगे ये लोग मछलियों का शिकार करने वाले मछलियों का कारोबार करने वाले एक हफ्ते में सात दिन होते हैं एक दिन बंद किया गया छह दिन तो है ना आपके पास लेकिन नहीं अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते हैं लोग छह दिन शिकार करके इनका पेट नहीं भरा अल्लाह ने मना किया था सनीचर को नहीं करना लेकिन इन्होंने अल्लाह की मुखालिफत की क्या किस तरीके से चोर दरवाजा निकाला जुमा की शाम को जाकर के डोर डाल देते थे सनीचर को मछलियाँ नहीं पकड़ते थे इतवार की सुबह को जा करके मछलियाँ पकड़ लेते थे मेरे भाइयों नतीजा क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने चोर दरवाजा निकाला मछलियों का शिकार तो उस वक्त नहीं किया खाली डोर डाला लेकिन मकसद तो वही था ना? अल्लाह तबारक वाली का आजाब आया नेक लोगों ने उस वक्त समझाया ये सनीचर के दिन मछली का शिकार करने से अल्लाह ने मना किया है सनीचर को डोर डाल देते थे इतवार की सुबह को पकड़ देते थे कहा नहीं सनीचर को तो हमने नहीं पकड़ा है लेकिन चोर दरवाजा सनीचर को डोर डाला इतवार को पकड़ा कहा नहीं ये गलत है ये चोर दरवाजा है ऐसे बहुत सारे लोग हमारे दरमियान हैं गलत चीजों को हासिल करने के लिए चोरी वाला पॉलिसी अख्तियार करते हैं ये चोर दरवाजे हमेशा खतरनाक होते हैं रातों रात अमीर बनने का ख्वाब आज इंसान को फकीर बना दिया है बनी इसराइल को बताया गया समझाया गया अच्छे और नेक लोगों ने बताया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुए बिलाखिर अच्छे लोगों ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया बीच में दीवार खड़ी कर ली कहा अगर तुम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं करते हो हम तुमसे अपने ताल्लुकात को अलग कर लेते हैं ल्लुकात को अलग कर लिया गया कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि आजाब आया वो लोग सुअर और बंदर बना दिए गए शिर्क किया था उन्होंने किसी का कत्ल किया था किसी की इज्जत लूटी थी किसी की जायदाद पर कब्जा किया था हमारी निगाह में तो बहुत छोटी सी गलती है सनीचर को मछली का शिकार करने से मना किया था उन्होंने कर लिया आज तो हम इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते हैं लेकिन यह इतना बड़ा गुनाह था अल्लाह ने फरमाया उनको सुअर और बंदर बना दिया गया रब की नाफरमानी की वजह से जो लोग रात दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि कहीं उनके ऊपर अल्लाह का अजाब ना आ जाए और अल्लाह के अजाब की एक शक्ल यह है कि इंसान की शक्ल को बदल देता इंसान का जो नूरानी चेहरा है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़ल खलकनसानीसन तकबीम हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में पैदा किया अल्लाह की मखलूक में सबसे खूबसूरत अगर कोई मखलूक है तो वह इंसान है इसीलिए इसको अशरफुलमखलूक़ कहा जाता ये हमारे चेहरे अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया फिर इसकी खूबसूरती में हम कितना इजाफा करते हैं लेकिन जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है अल्लाह चेहरे को मश्क कर देता चेहरे पर नहुसत आ जाती है और बास लोगों को सुअर और बंदर बना दिया गया इसी तरीके से कौम लूत पर अल्लाह ने अजाब भेजा ये लोग हम जिनसी मर्द मर्द से अपनी शहावत पूरी करता था ये कानून फितरत से बगावत है जब भी क़ानून फितरत से बगावत की जाएगी अल्लाह का अजाब आएगा बाज मगरबी में उनको कानूनी अख्तियार दिया गया है कि अगर कोई मर्द किसी मर्द से शादी करना चाहे तो उसको कानूनी अख्तियार है हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों ने कोशिश की लेकिन हिंदुस्तान की आवाम ने उसको ठुकरा दिया कानूनी तौर पर उसको रद्द कर दिया गया लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने हम जिनसी से अपनी शहबत को पूरी करते हैं हैतलूतम ने उनको समझाया ये कानून फितरत से बगावत है तोबा कर लो अल्लाह का आजाब आएगा लेकिन उन लोगों ने नहीं माना बिलाखिर अल्लाह का आजाब आया अजाब भी कैसा आया पूरी बस्ती को आसमान की तरफ उठाया गया पूरी बस्ती को आसमान की तरफ उठाया गया और उसके ऊपर के हिस्से को नीचे करके पलट दिया गया ज़मीन में धंसा दिया गया बस्ती को पलट दिया गया जमीन में धंसा दिया गया ऊपर से पत्थर की बारिश कर दी गई तीन तीन अजाब आया लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों में लिवात में मशगोल हैं ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि कहीं उनके ऊपर अल्लाह का अजाब ना आ जाए और अगर अल्लाह ने अपने अजाब को रोक रखा है तो हमें तोबा कर लेनी चाहिए तो इस तरीके से अल्लाह का अजाब आता है अल्लाह तबारक व तौल ने है शुयब अलीसलातम की कौम का तस्करा किया है इस कौम के अंदर जो सबसे अहम बुराई थी वो ये कि ये लोग डंडी मारा करते थे नाप तौल में कमी बेशी करते थे नाप तौल के दो पैमाने हर जमाने में रहे हैं एक तो वो है जो जिसको हम तराजु कहते हैं तराजु में इंसान दो पलड़े रहते हैं बराबर हो गया तो वो सही और दुरुस्त है और एक पैमाना होता है जिसको नाप कर दिया जाता है जैसे बहुत सारी चीज़ें वजन करने की होती हैं बहुत सारी चीज़ें मापने की हो दूध को माप के दिया जाता है तेल को माप कर दिया जाता है तो है, है शुएब अलीसलातलम की कौम की बुराई क्या थी नाप तोल में कमी बेशी करते थे और नाप तौल में कमी बेशी करना यह अल्लाह के अल्लाह को पसंद नहीं है मुतफीन अल्लादीना इजकताल नासी यून वही يستوفون काम अवूहम युक रोल वेल है तबाही और बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं जब खुद लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं और देते हैं तो कम कर देते हैं आज हम इसको बुराई ही नहीं समझते हैं आज दुकानों पर डंडियां कैसी मारी जा रही हैं लोगों का माल कैसा कम दिया जा रहा है चाहे वजन का मामला हो या मापने का मामला हो जमीन का मामला हो या कपड़े का मामला हो हर जगह ये चीज पाई जाती है नापतौल में कमी बेशी मापतौल में कमी बेशी है तो सलाम की कौम पर जो अजाब आया इसी गुनाह की वजह से आया आज हम इसको ही नहीं समझते हैं अल्लाह के नबी सा फरमाते हैं कि आसमान पे बदली उठी अबर छाया पूरी कौम कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी पूरी कौम नाचने लगी कि आज तो बारिश होगी और धूप से बचने के लिए अबर के साय में चले गए अल्लाह तबारक तला ने पत्थरों की बारिश बरसाई अल्लाह ने आग की बारिश बरसाई यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदली उठती थी बादल गरजते थे अबर उठता था तो अल्लाह के नबी ससरम घबरा जाते थे कभी अंदर आते कभी बाहर जाते एक बार अम्मा आयशा ने पूछ लिया कहा हुजूर जब बारिश आने वाली होती है लोग खुश हो जाते हैं लेकिन आपका मामला अलग है आपने फरमाया हमें कैसे मालूम कि इस आसमान से बारिश ही बरसेगा हो सकता है कि अल्लाह ताला इससे अजाब बरसा दे और जब बारिश होने लगती थी तो आप का चेहरा खुश हो जाता था तो इस तरीके से अल्लाह तबार व तआला ने लोगों को हिला किया कौमों को बर्बाद किया इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में जना और रिबा आम हो जाए जना और रिबा आम हो जाए तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का आजाब आता है जना आज जि, आज जिनाकारी कैसी फैली हुई है पहले किसी इंसान से कोई गलती हो जाती थी तो वो मुंह छुपा के घूमता था शर्म की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आता था कि उससे गलती हो गई है आज बेहयाई बेशर्मी कैसा फैल गई है आप पार्कों में जाकर देखें आप रोडों पे जाकर देखें आप बीचों पे जाके देखें आज तो फहाशी और अयाशी के अड्डे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों जब जेनाकारी आम हो जाए जब रिबा आम हो जाए सूद को लोग सूद ना समझें सूदी कारोबार जोरों पर है सूद लेना सूद देना दोनों हराम है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सूदी कारोबार में फंसे हुए हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब जना और रेबा किसी बस्ती में आम हो जाए तो उन लोगों ने अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर हलाल कर लिया अब ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा और अजाब की मुख्तलिफलें मैंने आपके सामने बयान की हैं इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाया आखिरी जमाने में अल्लाह का आजाब आएगा चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे आसमान से पत्थरों की बारिश होगी जमीन धसा दिया जाएगा साहबा ने पूछा अये अल्लाह के रसूल ये कब होगा आपने फरमाया जब शराब पिया जाएगा जब शराब पिया जाएगा और मौसीकी बाजेगी और नाचने वालिया होंगी मेरे भाइयों आज बड़े बड़े शहरों में पब्स कैसे खुल रहे हैं आज नाचने और गाने के आलात कैसे तैयार किए जा रहे हैं आज इंसान अपने दिलों के सुकून के लिए ऐसे कलबों में जाकर के सुकून हासिल करने की कोशिश करता है शराब का जाम पिया जाता है सामने रक्काशाएं रक्स करती हैं म्यूजिक चलती है प्यारे नबी ने फरमाया जब उनके सरों पर म्यूजिक बाजेगी रक्काशाएं रक्स करेंगी नंगे कपड़ों में बजाहिर वो कपड़े पहनी होंगी लेकिन नंगे होंगी मौसीकी बाजेगी रक्स किया जाएगा शराब पिया जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी और उनकी जमीन को धंसा दिया जाएगा आज अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हम देख रहे हैं लेकिन हम इबरत और नसीहत नहीं हासिल करते हैं मेरे भाइयों इसी तरीके से जब जब अच्छे लोगों को सताया जाएगा हर जमाने में अच्छे और बुरे लोग होते हैं बाज़ लोग जिनको अल्लाह ने नेकतदार दिया है लोग जिनको अल्लाह ने हुकूमत अता की है बाज लोग जिनको जिनके हाथ में जमा में इकतदार है जब वो अपने कमज़ोरों पर सताएंगे कमज़ोरों को सताएंगे उनके ऊपर जुल्म करेंगे उनके खिलाफ साजिशें करेंगे अल्लाह का अजाब अच्छा आएगा अल्लाह का अजाब आएगा मेरे भाइयों जब जब कौमें एक दूसरे कौम पर जुल्म करने लगती हैं अल्लाह आसमान से अजाब भेजता है और जब जब यह दोहराया गया है अल्लाह ने अजाब की मुख्तलिफ शक्लें भेजी हैं अल्लाह ने तुरान मजीद में अब्रहा का वाकया बयान किया है अल्लाह के घर को ढाने के लिए अबरा हाथियों का लश्कर लेकर निकला और मक्का के करीब पहुंचा जब आप और हम अरफात से वापस होते हैं अरफात और मुजलफा के बीच में एक लंबी खाई है जिसको मैदान मुहसर कहा जाता है जब अब्रहा अपने हाथियों के साथ अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँचा उसका मकसद था कि काबतुल्ला को ढा देगा उस वक्त के मुतवली अल्लाह के वसल्लम के दादा अब्दुलमतलिफ थे अब्दुलमतलब को जब मालूम हुआ कि अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर के काबतल्ला को ढाने के लिए आया है और अदे अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को उन लोगों ने अपने कब्ज़े में कर लिया है अब्दुल मुत्तलिब उनके पास गए और कहा कि हम आपके पास हाज़िर हुए हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें अब रहा से गुफ्तु की और कहा मेरे ऊँट आपके लश्करियों ने अपने हवाले अपने तहवील में ले लिया है हम आपके पास आए हैं कि आप हमारा ऊँट हमें वापस करवा दें उन लोगों ने कहा अजीब बेवकूफ़ आदमी हैं आप हम तो समझ रहे थे कि आप बैतुल्ला के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे खाने काबा के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा ऊंटों का मालिक मैं हूं इसलिए अपने ऊंट को मांगने आया हूँ बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह है वो अपने घर की हिफाजत करेगा अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को लेकर चले गए अब रहा आगे बढ़ा अल्लाह ताला ने आसमान से अजाब भेजा छोटे छोटे परिंदों को अलम तरा कईफा अलबू का भी असहाबिल आप पढ़िए छोटे छोटे परिंदों को तीन कंकरियां एक चोंच में और दो दोनों पंजों में छोटी कंकरी जो एक मटर के दाने के बराबर थी लेकिन उन कंकरियों ने उन कंकरियों ने बम का काम किया अल्लाह जब किसी को हिलाक करना चाहता है तो ऐसी अजाब भेज देता है बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ने इकतदार दिया है आज धमकियां देते हैं हम तुमको रही रहने देंगे हम तुमको निकाल देंगे हम तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगे अरे हमें छोड़ो अपनी फिक्र करो जब जब ऐसे हालात पैदा होते हैं अल्लाह अजाब भेजता है मुल्क के मुख्तलिफ मुख्तलि शोबों में अजाब की जो शक्लें हैं आप देख सकते हैं नॉर्थ का इलाका हिमाचल प्रदेश का इलाका उत्तर प्रदेश के साहली इलाके बंगाल की खाड़ियां और दिल्ली आज सैलाब में डूबा हुआ है मेरे भाइयों इबरत हासिल करो नसीहत हासिल करो हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से अल्लाह आजाब भेज देता है कहीं ऐसा ना हो हमारा मुल्क तबाह हो जाए हमारा मुल्क बर्बाद हो जाए इसलिए गुनाहों से तोबा करें अल्लाह की तरफ रुजू करें नेक लोगों का साथ दे जुल्म करने से अपने आप को बचाए मजलूम की बदुआ जालिम की जिंदगी तबाह कर देती है प्यारे नबी ने फरमाया बतल मजलूम फ़ैन सब्ला हिजाब मजलूम की बदुवा से बचो इसलिए मजलूम की अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता एक मजलूम की जब आह निकलती है तो रूनमा हुए कितने बड़े बड़े अजाब आए गुजरात का जलजिलातुर का जलजिला नेपाल का जलजिला जापान का जलजिला और हर साल सैलाब सा की मुख्तलि तबाहकारियां यह हम देख रहे हैं इस सदी का इस सदी का सबसे बड़ा अजाब जो आया है वो कोरोना की शक्ल में था हम भूल गए इंसान की फितरत यही है भूल जाता है भूल गए दो साल तक लोगों ने मस्जिदों में ईदगाहों में ईदैन की नमाज नहीं पढ़ी इतना बड़ा अजाब था अल्लाह के घरों पर ताले लग गए थे लोगों ने रमजान अपने घरों में गुजारा ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ी अल्लाह के घर बंद कर दिए गए थे कितने चेहरे हमारे सामने हैं जो कोरोना के जमाने में आते थे और दुआ करते थे अये अल्लाह बस तेरा घर खुलवा दे हम तेरी इबादत करेंगे कहां गए वो लोग कहां गए वो लोग जो तड़प रहे थे अल्लाह के घर में सजदा करने के लिए आज अल्लाह के घर खुले हुए हैं लेकिन हम सजदे से महरूम कर दिए गए हैं मेरे भाइयों हमने भुला दिया अल्लाह का याजा हरम शरीफ बंद कर दिया गया हज को रोक दिया गया तवाफ को मौकूफ कर दिया गया इससे बड़ा आजाब क्या होगा और यह आजाब पूरी दुनिया में था एक मुल्क नहीं दो मुल्क नहीं परवाजें बंद हो गई थी रस्ते के ज़राए बंद कर दिए गए थे इतना बड़ा आजाब था लेकिन हम भूल गए फिर हमारी वही बेराहरवी अल्लाह का अजाब कैसी कैसी शक्लों में आता है डरो कहीं अल्लाह का अजाब फिर ना आ जाए और ये अजाब की शक्लें फिर ना आ जाएं और हम तबाह बर्बाद कर दिए जाए मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमारी नबी की दुआ की बरकतों से हम महफूज हैं आप की वो मशहूर दुआ आपने फरमाया मैंने अल्लाह से तीन चीजों का सवाल किया तीन चीजों का सवाल किया अल्लाह ने दो को कबूल कर लिया एक को रद्द कर दिया दो को कबूल कर लिया अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने दुआ की थी अये अल्लाह मेरी कौम को मुकम्मल तौर पर हिलाक नहीं करना बनी इसराइल मुकम्मल हिलाक कर दी गई कौम लूत को मुकम्मल हिलाक कर दिया गया अल्लाह का आजाब हमारे ऊपर भी आ जाता लेकिन हमारे नबी ने दुआ की थी अय्ला मेरी कौम को मेरी उम्मत को बैक वक्त हिलाक मत करना प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली आज उसी दुआ से हम महफूज हैं वरना हमारे अमाल कैसे हैं अब तक कम हम कब हम खत्म हो गए होते हमारे नबी ने दूसरी दुआ की कहा अल्लाह मेरी उम्मत पर कभी जालिम को मुसलत मत करना पूरी कौम को यरगमाल बना ले नहीं कहीं पर हुकूमतें होंगी कहीं पर मजलूम होंगे लेकिन पूरी उम्मत पर एक जालिम काबिज हो जाए ऐसा नहीं हो सकता ये अल्लाह के नबी की दुआ है दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमान अपने आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं अलबत्त कहीं कहीं पर है हमारे नबी की दुआ है अये मेरी उम्मत पर ज़ालिम को मुकम्मल तौर पर मुसलत नहीं करना अलहमद अल्लाह के नबी की यह दुआ भी कबूल हुए तीसरी बात जो आपने की अये अल्लाह मेरी उम्मत में इख्तलाफ नहीं होना अल्लाह ने कहा ना دعا قبول نہیں ہوئی امت میں आज फरकों में जमातों में है ये दुआ कबूल नहीं हुई अगर ये दुआ भी कबूल हो जाती तो आज मुसलमानों में कितना बड़ा इत्तेहाद होता बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबालमी हमें इन वाकयात से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक नायत फरमाए अल्लाह हमको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए अल्लाह तबारक ताल हमें ज़मीनी और आसमानी आफतों से महफूज रखे अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए हम गुनहगार हैं अयल् हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें आए अल्लाह हमें नकियों की तोफ़ी ना फरमा अल्लाह जब तक दुनिया में रख इस्लाम पर कायम रख खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना तकबल मन्ना कांत समी व तुब अलना इन न कांत तो रहीम बेरहमती का अरहमराहमी आमीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السَّمِيلَ العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر وَاقِيمُ الصلاه